के विद्यालय में शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया गया, जहां सभी शिक्षक शिक्षिकाएं काली पट्टी लगाकर स्कूल आए। शिक्षकों का कहना है कि भाजपा सरकार ने 2004 के चुनाव घोषणा पत्र में नियमित शिक्षक बनाने का वादा किया था, जो आज 15 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, किंतु आज जो संविलियन किया जाना था उसे नई नियुक्ति के साथ समान पद पर नहीं किया जा रहा है। उस समय जब भर्ती हुई थी तब वेतन नियमित शिक्षक 3200 तथा शिक्षा कर्मी 2256 था, लेकिन आज नियमित 65,000 और नए में जाने के बाद भी 45,000 पार नहीं कर रहा। इस अवसर पर अतिथियों के अलावा सभी शिक्षक उपस्थित थे। काले दिवस का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया शासन ने, हमारे साथ जो एक प्रकार से अलग थलग केडर बनाकर हमें जो शासकीय शिक्षक केडर से अलग रखा गया, इसी के विरोध स्वरूप हमने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ साथ हमारे अतिथि भाइयों को भी शासन ने 10-10 साल तक सेवा, 15-15 साल तक सेवा लेने के बाद जहां कार्य कर रहे थे उनको वहां से वंचित कर दिया और उन समस्त अतिथि भाइयों को अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उक्त जानकारी तृतीय वर्ग अध्यापक संघ के प्रांत अध्यक्ष किशोर तिवारी ने दी।